देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई आज। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर है हेराल्ड हाउस पर कब्जा करने का आरोप। आज खत्म हो रही है पी चिदम्बरम की सीबीआई हिरासत की अवधि। रिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगी सीबीआई। कल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में गिरफ्तारी से 5 सितंबर तक दी थी राहत। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 7 सितंबर को होगी सुनवाई। जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल करने के लिए आज आखिरी दिन। आधार से जीएसटी के लिए करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष केंद्रों का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आयुष के क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम कर चुके 12 लोगों के नाम पर डाक टिकट भी होगा जारी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुए बम धमाके में अदालत आज सुनाएगी सजा। अक्टूबर 2014 में हुआ था धमाका। 4 बांग्लादेशी समेत 19 आरोपियों को मिलेगी सजा। केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को दिया चुनावी तोहफा। 29 अक्टूबर से डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी महिलाएं। दीपा मलिक समेत 32 खिलाड़ियों को मिला खेल पुरस्कार। कल राष्ट्रपति कोविंद ने किया था सम्मानित। एयर स्पेस बंद करने के बयान से पलटा पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बोले ऐसा कोई इरादा नहीं। सोनम कपूर की मच अवेटेड फिल्म द जोया फैक्टर का ट्रेलर रिलीज। जबरदस्त अवतार में दिख रही हैं सोनम कपूर। फिल्म में उनके ऑपोजिट नजर आएंगे दुलकर सलमान। फिल्म 20 सितंबर को होगी रिलीज। अमेरिका में आने वाला है भयंकर तूफान हरिकेन डोरियन। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लोगों को अलर्ट रहने को कहा। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।